हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड की। दोस्तों, अल्काइल एमाइंस केमिकल्स के अंदर प्रीवियस सेशन में करीब करीब अगर आप कहें तो 5% की यहां पे तेजी देखने को मिला। इसका मेन रीजन था यहां पे बालाजी एमाइंस का एक तरह से जो सेम चीजों से रिलेटेड काम करती है, तो बालाजी एमाइंस के अंदर 10% की तेजी ऑलमोस्ट देखने को मिला था। 9-10% जो यहाँ पे इनका बालाजी एमाइंस का Q4 क्वार्टर का जो रिजल्ट्स यस्टरडे आया था, काफी शानदार रिजल्ट्स था एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे एज पर द जो एक्सपेक्टेशन था उसको एक तरह से हिट करके ऊपर निकल गया, एक तरह से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया अच्छा रिजल्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे बालाजी एमाइंस में तो तेजी था ही, अल्काइल एमाइंस के अंदर भी तेजी आपको देखने को मिला है। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि क्या अल्काइल एमाइंस के अंदर वापस इसी तरह से तेजी और भी बरकरार रहेगा, और यहाँ पे अल्काइल एमाइंस का बेसिकली अगर हम बात करें तो Q4 क्वार्टर का रिजल्ट आज कंपनी यहाँ पे पब्लिश करने वाली है। तो Q4 क्वार्टर का आज रिजल्ट आएगा, तो क्या इसका एक तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2300 रुपया तक इसका शेयर प्राइस जाता हुआ नजर आ सकता है अगर रिजल्ट्स अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% की तेजी आपको देखने को मिला, यहाँ पे 2312 रुपया तक बालाजी एमाइंस का शेयर पहुंच गया। 10% से ज्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल के डेट में अगर आप देखोगे बालाजी एमाइंस तो वो भी 2000 रुपया के शेयर पे ट्रेड कर रहा था, 2000 रुपये के प्राइस पे, लेकिन यहाँ पे बहुत तेजी रही है, इसकी वजह से यहाँ पे एक तरह से 2312 रुपये तक पहुँच गया। ये आज भी इसी लेवल के लगभग अगर हम देखें 2100 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर 10% की तेजी होती है तो यहाँ पे भी अपसाइड बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी की तो 5 डेज में अगर आप देखोगे 3% की गिरावट है, और यहाँ सॉरी 3% की तेजी है, और 1 मंथ में अगर हम बात करें तो 0.49% की गिरावट है, और 6 मंथ में 0.98% की गिरावट है। एक साल में अगर हम देखें तो 17% स्टॉक टूटा है, और 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 549% का रिटर्न देता हुआ नजर आया है बेसिकली। तो 5 ईयर्स में तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिया है स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर को अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड, और यहाँ पे ये कंटिन्यू अभी भी डाउन साइड की ओर ही जा रहा है एक तरह से, अभी भी अपसाइड ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है इसके अंदर अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट किस प्रकार से हो सकता है मैं उस पर भी चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन ये डेफिनेटली बताऊँगा कि कंपनी इस बार डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है। और डिविडेंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये चीज़ खुद कि यहाँ पे कंपनी जुलाई 2021 में 6 रुपये का डिविडेंड दी फाइनल डिविडेंड, जुलाई 2022 में यहाँ पे 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड दी है, और जुलाई 2023 में भी 10 रुपये का यहाँ पे फाइनल डिविडेंड दी है। तो होपफुली कि 10 रुपया दे सकती है या 10 रुपये से कम डिविडेंड यहाँ पे देती हुई नजर आ सकती है जुलाई 2024 के अंदर, यानी जो मतलब आज के जो रिजल्ट्स होंगे उसी में यहाँ पे कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर देगी, और कितना डिविडेंड देगी वो भी यहाँ पे कंपनी आज बता देगी आपको दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। साथ में दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा, और यहाँ पे अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या कोई दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं अपस्टॉक पे आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ओनली यहाँ पे लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस के, खास करके यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस खास करके FIs एंड DIs की बात करें तो ये दोनों यहाँ पे स्टॉक में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मार्च क्वार्टर में जो डेटा देखने को मिल रहा है यहाँ पे खरीदारी चल रही है FIs की भी DIs की भी। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई नजर आ रही है, और प्रमोटर हैं जो अपनी होल्डिंग बरकरार रखे हुए हैं दो क्वार्टर से कोई भी चेंज यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को नहीं मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ठीक ठाक है, और यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हैं तो इसका सीधा साइन ये होता है कि आने वाले समय में इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकता है। और साथ में साथ दोस्तों, अगर हम बात करें Q3 क्वार्टर की रिजल्ट्स की, जो यहाँ पे आज तो Q4 को आएगा लेकिन Q3 क्वार्टर में कंपनी ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 के अंदर अगर आप देखें और दिसंबर
2023 के अंदर देखें तो 46 करोड़ से प्रॉफिट घट के 33 करोड़ पे आ गया और 18% से मार्जिन बढ़ के 19% हुआ था। यहाँ पे सेल्स में देखिएगा 388 करोड़ से यहाँ पे सेल्स है जो घट के 322 करोड़ रुपये आ गया था, यानी मतलब कि इनके सेल्स में गिरावट था, यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट था, सिर्फ मार्जिन में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन क्या Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आज आएंगे तो क्या ये 49 करोड़ से कम आते हुए नजर आएंगे? तो मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बालाजी माइंस जिस तरीके से रिजल्ट्स यहाँ पे पब्लिश किया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 49 करोड़ से ऊपर ही, यहाँ पे 50 करोड़ से ऊपर ही नेट प्रॉफिट करेगी कंपनी और यहाँ पे सेल्स में भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और 19% का मार्जिन रख सकती है वापस ये कंपनी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अपकमिंग रिजल्ट्स डेट टूडे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट्स डेट आज का ही है और आज ही यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनी पब्लिश करती हुई नजर आएगी। तो इसके कुछ की फैक्टर्स की बात कर लेते हैं अल्काइल एमाइंस की, तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है मार्केट कैप है जो 10,735 करोड़ का है, यानी स्मॉल कैप की ही कंपनी अभी भी है और लेकिन यहाँ पे मार्केट इनको जो हाई पी दे रखी है 67 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री पी आप देखोगे तो 35 है। और इसके साथ साथ इसकी जो कंपनी का जो सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों चीज़ें कंपनी का काफ़ी शानदार नजर आता है और साथ में साथ कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी देती है जो आज की डेट में देगी ही, मतलब एक तरह से अनाउंसमेंट करेगी ही करेगी, मतलब जुलाई तक आपको जून जुलाई तक में आपको डिविडेंड दे देगी। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपया है और यहाँ पे EPS देखें तो 31.10 रुपया का EPS भी जनरेट करती है। और इसके साथ साथ अगर हम कंपनी के पास रिजर्व्स की बात करते हैं 1185 करोड़ का रिजर्व्स है, डेप्ट 93 करोड़ का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 93.5 करोड़ का, तो यहाँ पे डेप्ट इक्विटी बहुत कम है 0.08 का है, तो यहाँ पे कंपनी डेप्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए और साथ में प्लेजिंग परसेंट बिल्कुल 0 है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर 3 दिया गया जो एक रेटिंग है जो इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं, एक तरह से खराब रेटिंग कह सकते हैं, पेग रेशियो भी ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है, ग्राम नंबर के अकॉर्डिंग 405 रुपये इसकी प्राइस होनी चाहिए और यहाँ पे RSI है जो बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं है लेकिन एक तरह से न्यूट्रल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कंपनी की तो यहाँ पे इनके पास 100+ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं केमिकल सेक्टर में, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ DMA और HCl का है ये कंपनी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्काइल एमाइंस इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द एलिफैटिक एमाइंस इन इंडिया आपको देखने को मिलता है। एलिफैटिक एमाइंस आर प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम द अमोनिया से एक तरह से बनती है, NH3 जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखें तो इथाइल प्रोपील मिथाइल ये सब सारे चीज़ों पे काम करती हुई नजर आती है कंपनी। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ और यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FY24 के अंदर गिरावट इसके अंदर अभी भी प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है 159 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है FY24 के अंदर। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अधिक से अधिक लाइक करें और वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।